खबर 24 लाइव न्यूज़ आपका खबर 24 लाइव न्यूज में मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र प्रसाद यादव। आप देख रहे हैं खबर 24 लाइव न्यूज। आज हम ग्राम सभा धनौआ में यहाँ पर चौरा माँ के मंदिर पर उपस्थित हूँ। यहाँ दुर्गा पंडाल में साध्वी सुषमा यादव जी का बहुत ही प्यारा संतुष्ट हो गया प्रवचन कथा चल रहा है और यहाँ पर पंडाल में काफ़ी भीड़ जमा हुई है सभी महिला और पुरुषों से। यह पंडाल खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ है। आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। लोग दुनिया में कहते हैं कूद कपूत सुने हैं पर माता नहीं कुमाता, लेकिन ये संसार कहेगा कि वो पापनी माँ है जो अपने ही हाथ से अपने पुत्र का वध कर दी, अपने ही हाथ से अपने पुत्र को विष दे दी। यदि अगर विष नहीं देती हूँ तो मेरे तुम्हारे पिता की आज्ञा की अवहेलना होगी, मेरा पातिव्रत धर्म टूट जाएगा। हे बेटा, मैं इसी धर्म संकट में पड़ी हूँ, आज मैं करूँ क्या? प्रहलाद से जब माँ ऐसा कहती है सज्जनों, तो प्रहलाद बोले, माँ आप चिंता मत करिए, अरे माता वो पुत्र कैसा जो अपने माता पिता के धर्म का रोड़ा बने। जब हमारी वजह से आपका धर्म ही चला जाए, मांगा नहीं है लेकिन हनुमान जी के प्रसंग से आप सीखिए कि हनुमान जी को बिना मांगे सीता जी क्या दे रही है, कि हनुमान तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। लेकिन हनुमान जी को सुनो अच्छा नहीं लगा, जब हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा तब सीता माता जी दूसरा आशीर्वचन दे रही है, कहाँ हे हनुमान तुम अजर और अमर हो जाओ, अजर माने बुढ़ापे से रही और अमर हो जाओ, मैं आपको आशीर्वचन दे रही हूँ। हनुमान जी को सज्जनों अच्छा नहीं लगा, तब सीता माता जी तीसरा आशीर्वाद देती हैं, कहाँ अष्ट सिद्धि नव निध्य प्रदाता, अष्ट सिद्धि नव निध्य प्रदाता, असबर दीन जानकी अमानता, असबर दीन जानकी अमदाता, अष्ट सिद्धि नव निध्य प्रदाता, असबर दीन जानकी अमानता, असबर दीन जानकी अमानता। मैं आपको इसका पूरा अधिकार दे रही हूँ, आप चाहे किसी को भी दे सकते हो। हनुमान जी बोले, माता जी मैं ये आठों सिद्धियाँ